हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, दैट इज़ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो बहुत समय क्या होता है कि ड्रॉवर और ड्रॉवी सेपरेट सेपरेट स्टेट्स में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। तो इस केस में ड्यू डेट में ड्रॉवी के पास जा करके बिल का कलेक्शन करने का पॉसिबिलिटी ड्रॉवर के पास बहुत कम होता है। मतलब वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जा करके बिल का कलेक्शन नहीं करना चाहता है। तो इस केस में वो अपने बैंक से मदद ले सकता है, बैंक को वो ऑथोराइज कर सकता है कि आप जाइए जा करके बिल का कलेक्शन करके मुझे पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे बैंक एज अ एजेंट काम करेगा ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बदले में हो सकता है बैंक को चार्जेस ले लेगा अपना। तो यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि समटाइम्स सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर करेक्शन, दिस इज द मेन टॉपिक। समटाइम्स द ड्रॉवर आस्क्स द बैंक टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम द ड्रॉवी ऑन द ड्यू डेट। कभी कभी ड्रॉवर खुद जाकर के बैंक को अप्रोच करते हैं कि आप चाहिए जाकर के अपना पैसा कलेक्ट करके हमको दीजिए ड्रॉवी से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज सूटेबल इन केस ऑफ आउट स्टेशन बिल्स। ये ज़्यादा सूटेबल होता है इन केस ऑफ आउट स्टेशन बिल्स। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो थर्ड टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में, हियर बैंक एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ द ड्रॉवर। बैंक ड्रॉवर का एज एन एजेंट काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर मेड बाय द ड्रॉवर। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज ड्रॉवर के बुक्स में यहाँ पे इससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले वो जब गुड्स बेचेगा उसका एंट्री वहाँ से स्टार्ट करेगा वो। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ड्रॉवी को माल बेचे तो ड्रॉवी हम लोग का डेटर हो गया, तो इसीलिए हम लोग उसको डेबिट कर रहे हैं और सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करिए क्योंकि उसका हम लोग को बिल मिल रहा है, तो इसीलिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा। और किससे बिल मिला, ड्रॉवी से मिला तो ड्रॉवी क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट में क्या होगा, बिल हम लोगों ने बैंक को भेज दिया फॉर कलेक्शन, तो हम लोगों का जर्नल एंट्री हो जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो बिल चला गया इसीलिए बिल्स रिसीवेबल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जब रिसीव होगा बिल जब कलेक्ट को कर लेगा बैंक तो उसका एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास एंट्री रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे हिसाब से अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो एक इंटरमीडिएट अकाउंट के तौर काम कर रहा है जो कि बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब इस पूरे टॉपिक का टॉपिक में एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, इस पूरे टॉपिक का कोई भी एंट्री, बिल सेट फॉर कलेक्शन का कोई भी एंट्री, जर्नल एंट्री ड्रॉवी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉवी से ये चीज़ जो है ये संबंधित है ही नहीं, उससे कोई ले उसको इस चीज़ से सेंड फॉर कलेक्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।